एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम बच्चे की हेल्थ के साथ साथ आपकी डिलीवरी कब होगी, कैसे होगी, बच्चे के जन्म के पूर्व ही हम ये पता कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 9th मंथ स्टार्ट होते ही आपको कुछ लक्षण और संकेतों का पता होना बहुत जरूरी है ताकि आगे चलकर आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो, माँ और बच्चा दोनों हेल्थी रहे और आपकी डिलीवरी भी अच्छे से हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड में ऐसी कौन सी बातें लिखी हुई होती है जिसे आप जान सकते हो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन थ्रू। सो फ्रेंड्स, पहला है कि अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाता है वो है बेबी की पोजिशन, यानी बेबी सिफालिक पोजीशन में है, ब्रीज पोजीशन में है या ट्रांसफर पोजीशन में है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का हेड डाउन पोजीशन यानी सेफालिक पोजीशन में आना बहुत ज़रूरी है। अगर 36 वीक बेबी सेफालिक पोजीशन में है इसका मतलब आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। वही दूसरी ओर आपकी बेबी की पोजीशन ब्रीज या ट्रांसफर है, ठीक है, ब्रीज में बेबी की पोजीशन उल्टी होती है यानी उसके पैर नीचे की ओर और हेड ऊपर की ओर होते हैं, और ट्रांसफर में बेबी ना आड़ा होता है, उसका हेड ना ऊपर की ओर होता है कम्प्लीटली ना नीचे की ओर होता है बल्कि बेबी आड़ा होता है। इन दोनों पोजीशन में 80% चांसेस होते हैं कि आपकी डिलीवरी सी सेक्शन थ्रू हो जाए। दूसरा रीजन हो सकता है फ्रेंड, वो है बेबी की प्लासेंटा पोजीशन। जैसे कि प्लासेंटा के 4 टाइप्स होते हैं, पोस्टियर, एंटीरियर, फंडल एंड लो लाइन प्लासेंटा। प्लासेंटा प्रीविया से अगर आपकी प्लासेंटा पोजीशन पोस्टियर, एंटीरियर, फंडल हो तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। बट प्लासेंटा लो लाइन या प्लासेंटा प्रीविया हो इस सिचुएशन में या फिर इस पोजीशन में प्लासेंटा यूटेरस को पूरी तरह से कवर कर देता है। इस प्लासेंटा पोजीशन में ज़्यादातर डिलीवरी सी सेक्शन थ्रू ही की जाती है। सो प्लासेंटा पोजीशन भी इम्पॉर्टेंट होती है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन थ्रू, खास करके प्लासेंटा प्रीविया हो तो प्रॉब्लम आती है। थर्ड है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अल्ट्रासाउंड में लिखी तीसरी बात जो है वो है एमनियोटिक फ्लूइड का होना। प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम होना भी बेबी डिलीवरी को इफेक्ट करता है। आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में AFI यानी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स लिखा हुआ देखा होगा, जो नॉर्मली होता है वो 5 सेंटीमीटर्स से लेकर 25 सेंटीमीटर के बिटवीन होना चाहिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी, जिससे एडेक्वेट भी लिखा हुआ आपने देखा होगा। अगर नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड हो तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। अगर आप 9th मंथ में अल्ट्रासाउंड कराती हो और एमनियोटिक फ्लूइड जरूरत से कम होता है तो ईडीटी डेट से पहले बेबी सूखने का खतरा होकर बेबी की जान को भी खतरा हो सकता है। अगर ये प्रॉब्लम डॉक्टर ट्रीटमेंट से ठीक ना कर पाए तो वो सी सेक्शन थ्रू आपकी डिलीवरी कर सकते हैं। सो एमनियोटिक फ्लूइड भी एक फैक्टर है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी। तो फ्रेंड्स, ये 3 मेन बातें हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखी हुई जिससे आप पहले ही आपको संकेत मिल जाता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन थ्रू होगी। अगर प्रेगनेंसी में किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड की डिटेल में जानना चाहते हो, फ्रॉम फर्स्ट ट्रिमेस्टर टू लास्ट ट्रिमेस्टर पर किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड और उसमें लिखी हुई एक ही टर्म और पैरामीटर डिटेल में जानकारी चाहते हो तो उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे। मैंने अपने प्रेगनेंसी के जो भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स होते हैं उस पर डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, आप वो प्लीज़ ज़रूर देखना, और उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की। आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो थ्रू आपने ये जान चुके हैं कि आपके डिलीवरी नॉर्मल होगी या सेक्शन, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछे। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक आप और अपने बेबी का ख्याल रखें। फाइनली फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।